चलो जी, आ गए हैं पेट्रोल पंप यहाँ पे। और मुझे आज तक बात नहीं समझ आई कि लोग गैस स्टेशन क्यों बोलते हैं। अब जरा पेट्रोल भराते हैं, खुद ही भरना पड़ता है वैसे यहाँ पे। हाउ मच इज दिस लीटर्स, कितना है ये? $48 पेट्रोल, थिंक 2.58। पेट्रोल तो भाई आसमान छू रहा है यहाँ पे, 2.58 बहुत है यार, 125 रुपए के करीब है, 125 रुपए लीटर। एंड दिस इज एक्स्ट्रा अनलीडेड, दिस इज कॉस्टली और दिस इज कॉस्टली, विच वन इज बेटर? 91 बेटर, अदरवाइज सुप्रीम इज बेटर, सुप्रीम प्रीमियम 95। ऑल राइट, $50 का भरा है 19 लीटर, महंगा है थोड़ा सा फ्यूल यहाँ पे, बट गाड़ी की ना एवरेज भी सही रहती है इधर, गाड़ी की एवरेज भी ठीक रहती है, जाम जूम तो लगता नहीं है इतना, सिटी में लगता है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम जा रहे हैं ऊबर ईट की डिलीवरी पे। डिलीवरी आ गई भाई ऊबर ईट की डोमिनियन रोड पे। तो जी वक्त आ चुका है, आज हमारी धर्मपत्नी जो है वो पधार गई है न्यूजीलैंड, और अभी अभी उनकी फ्लाइट लैंड कर गई है, अभी क्रिएशन की लाइन पे लगे हुए हैं, बारिश हो रही है जबरदस्त, और हम जाने अब लेने के लिए सुरभि को। तो अभी चलते हैं, सुरभि को पिक करते हैं, अभी तो जेट लैग होगा, नींद में झूलेगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें उसके लिए, फर्स्ट टाइम, हमको भी कल्चरल शॉक लगा था जब आके यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब कोई नया आता है तो चेंजेस तो फील होते ही हैं। चलो एयरपोर्ट चलते हैं, पिक करते हैं। मौसम अच्छा भी है बुरा भी है, बारिश हो रही है अच्छी लग रही है, लेकिन यार यहाँ पे ना ट्रैवल करना मुश्किल आता है, क्योंकि अभी क्या है मेरे पास बाइसाइकिल है, अभी मैंने गाड़ी ली नहीं है, गाड़ी में लूँगा। और यहाँ पे ना गाड़ियाँ जो हैं सेकंड हैंड मिलती हैं सारी, बट बहुत ही मिंट कंडीशन पे होती है और अच्छी मिलती हैं, तो डोएबल होती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 3 लाख से लेके 10 लाख तक तो जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आपको BMW भी मिल जाती है 6-6 लाख रुपये में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन मिंट कंडीशन बट दे आर सेकेंड हैंड। तो यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं कि वो जापान में कोई चला रहा होगा या किसी और कंट्री में, तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई हम न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओनर हैं। तो अभी लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना है, वैसे इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे 1 साल ड्राइव कर सकते हैं, और इसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो बनता है लर्नर्स 6 महीने के लिए, जिसमें आपके साथ सुपरवाइजर रहता है, और उसके बाद आपका परमानेंट लाइसेंस आता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ का सबसे बड़ा आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो न्यूजीलैंड का लाइसेंस है और पासपोर्ट है, तो अगर आप पासपोर्ट हर जगह कैरी करोगे नहीं, ऑफकोर्स लाइसेंस तो बंदा हर जगह कैरी करता है बिकॉज गाड़ी चलाता है, सो लाइसेंस is a very 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 important identity proof here. तो आप लोगों को जहाँ पे भी जाना है liquor shops पे especially वहाँ पे license दिखाना ही पड़ता है. So that is how it works. चलो चलते हैं, सुरभि को लेके आते हैं। तो जी अभी चल रहे हैं अपने housemate के साथ, Shumon. So he's Shumon. He's my housemate. Sumon and his wife stays with us. So we stay together, 3 people. मौसम देखो यार, आज तो काले बादल छाए हैं भाई जी। अब यहाँ पे ना एक बड़ी खास बात है, ये जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से कोई भी हॉर्न नहीं मारता है भाई, मैंने हॉर्न नहीं सुना है यहाँ पे अभी तक, मैंने 1-2 जगह पे हॉर्न सुना है बिकॉज वो गाड़ी हिल नहीं रही थी या बंदा मोबाइल पे लगा होगा, ग्रीन लाइट हो चुकी थी तो पीछे वाले ने थोड़ा सा हॉर्न मार दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा, अदरवाइज तो यहाँ कोई हॉर्न बजाता ही नहीं है। काफ़ी डिसिप्लिन है ड्राइविंग में, ड्राइविंग देयर लाइन, यहाँ पे ना वो जुक जुक दिल्ली वाला स्टाइल तो है ही नहीं, अच्छा है, ओवरटेक भी नहीं करते हैं लोग, काफ़ी सॉर्टेड वे में ड्राइव करते हैं। एयरपोर्ट आ गया है, राइट ले लेंगे अब यहाँ से। अब ये जो है ना यहाँ का सबसे बेस्ट नेटवर्क है स्पार्क, जो कि हमने नहीं लिया क्योंकि महंगा है। अब यहाँ पे देखो एरो सिटी वाली फीलिंग आती है, नोवोटेल होटल आइबिस वाइबिस यहाँ पे सब है इस साइड पे। और ये आ गई है पार्किंग, भाई पार्किंग इतनी ज़बरदस्त है ना ऑकलैंड की, सारी गाड़ियाँ आराम से समा जाती हैं यहाँ पे, मतलब सिस्टमेटिक ऑफ कोर्स है। अब ये दिखा रहा है कि कितनी पार्किंग खाली है क्या है, चलो ये तो इंडिया में भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट यस यहाँ पे ना सब ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे जो है पर्ची निकलेगी, शुमोन ने पर्ची निकालनी है, इधर कार्ड लगाया, यस अब आ गई है, बैरियर खुल गया है। अब यहाँ पे ना मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, जो मशीनें लग गई हैं सब, इससे कहीं ना कहीं यार हैम्पर तो होती हैं जॉब्स, एम्प्लॉय फोर्स कम हो रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है वैसे यहाँ पे, बट चलो अभी तक हमें तो इम्पैक्ट नहीं लगा, ये होगा आने वाले टाइम पे। सो इसका जो रेट है ना ये है जी कुछ $15 या $20 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर इसके जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। चलो जी चलें अब लेने के लिए, एयरपोर्ट आ गए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ढूंढ लेते हैं सुरभि को, फ़ोन करता हूँ ज़रा इसको, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
डिपार्चर आ गया है, अराइवल की तरफ बढ़ेंगे अब। ओह दैट्स द ऊबर सेक्शन, यहाँ आती है सारी ऊबर टैक्सियाँ इस साइड पे। और चलो ये तो आजकल सब जगह पे ही है वैसे। सुमन तो अपना फोन ही भूल गया गाड़ी में, और यहाँ बड़ा खतरा है भाई, तोड़ ताड़ के निकाल लेते हैं फोन। अब ये देख रहे हो ये बोर्डिंग पास निकलता है यहाँ से, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, टिकट जो है यहाँ से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर गेट से ना, और 80 हॉप कार्ड भी लेना है अपने को। अब यहाँ से होगा स्वागत, इंटरनेशनल अराइवल से आएंगे। भीड़ लगी हुई है भाई, सबके रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ पे। ओहो आ गई भाई सवारी अपनी, वेलकम टू न्यूजीलैंड भाई। चलो 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 चलो, थक गए, सुर भी आ गई है, स्वागत है जी आपका। चलो हम काम पे लगते हैं, बहुत बढ़िया हो गया भैया, ये तो टाइम लग गया थोड़ा सा इमिग्रेशन चेक में, लेकिन सुबह फाइनली वापस आ गई है। सामान नहीं खुलवाया कुछ। अरे बहुत बढ़िया, वो तुम्हें डिक्लेयर ही नहीं करा होगा ना। मैंने डिक्लेयर किया। चलो तुम्हें सुमन से मिलवाता हूँ, सुमन इज वेटिंग। डिक्लेयर सारा किया है। कूली नंबर वन मैं हूँ। बैक टू बेसिक्स। फाइनली आ गई है भाई हमारी सेकंड व्लॉगर हमारे साथ, और मौसम थोड़ा बेटर हुआ है, बारिश बंद हो चुकी है, खुशी की भावनाएं। फाइनली सुरभि भी आ गई है। Yes. कैसा लग रहा है वैसे आके? बहुत अच्छा, फिलहाल तो अभी सर दर्द हो रहा है। अच्छा जी। तो कोई नहीं, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, अभी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा शॉक लगता ही है। बट वही काफी ब्रीदेबल है। थैंक्स टू सुमन, मतलब यार इतनी हेल्प करी है सही में। अदरवाइज टैक्सी बुक करनी थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बारिश वारिश के चक्कर में बड़े लफड़े हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं घर पे, बाय बाय। अब यहाँ पे जो हमने पर्ची निकाली थी वो अब पेमेंट होगी। ओ जी एक्चुअली पेमेंट पहले ही जाती है काउंटर पे, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे सिर्फ पर्ची डालनी है, क्योंकि कोई बंदा तो है नहीं रोकने के लिए, कोई बैरियर तोड़ के भाग सकता है, सब सिस्टमेटिकली बना रखा है। बाय बाय ऑकलैंड एयरपोर्ट, बाय बाय। हाँ जी, तो भाई और बहनों, लड़की हमारी पहुंच गई है सेफली, और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, सामान सुमान ले लेते हैं खाने पीने का, अंडे शंडे और बाकी चीज़ें, और ये लेके फिर जाते हैं घर की तरफ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, रेन तो है, ये छतरी तो रेनबो जैसी कलरफुल सी है बड़ी। हाँ ये तो हमारी इंडिया की है। अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, घर से बाहर निकलो जैसे हम वहाँ पहाड़ों में जाते हैं ना, और तब दिखता है बहुत प्यारा सा व्यू, और वो यहाँ हर घर में ही दिखता है, और घर से ही दिख रहा है पहाड़, जैसे हमारे घर से पहाड़ ऊपर की तरफ दिख रहा है, वहाँ पे घर बने हुए हैं, तो ऐसे लगे जैसे वही शिमला और मसूरी की वाइब्स आ रही थी। यस है, तो वही मॉडर्न पहाड़ी है, सारे डेवलप्ड है, मतलब ऑब्वियसली पहाड़ पहाड़ जैसा ही है, बढ़िया है वाइब तो अच्छी। खैर है ही, मैं तो बोलता ही आ रहा हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन अब सुरभि की जुबानी भी सुनी लिया है। अभी जा रहे हैं हम लोग पैक एंड सेव, और पैक एंड सेव यहाँ का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, जो बाकी सुपरमार्केट्स को भी प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे ना रेट्स कंपैरेटिवली चीपर हैं, हालांकि न्यूजीलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव, बट महंगों में सस्ता ये है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, कुछ घर वर का सामान ले लेते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। कॉलेज फ्रॉम होम चल रहा था, अब चालू हो गया, और आज पड़ी है जबरदस्त बारिश, तो हो रहा है ठंडा। और ये देखो, मैंने बताया था ना पहले भी, बीम और ये लाइम, ये दो कंपनी है, इनका स्कूटर तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, वो इनके ऐप पे दिख रहा होगा कि भैया किसी को उठाना तो यहाँ से उठा लो। चलो जी पैक एंड सेव की तरफ सवारी चले। घर गृहस्थी की शॉपिंग शुरू हो गई भाई, लड़की हमारी ले रही है प्याज, ले लिए टमाटर, ये और ले रही हूँ प्याज, ले लो ले लो ले लो, देख के लेना, थोड़े खराब निकलते हैं कभी कभी। राइस उठा लेते हैं भैया, इंडिया गेट बासमती राइस मिल रहा है यहाँ पे, ये उठा लेते हैं। हाँ जी, तो सामान सामान ले लिया है हम लोगों ने, आप जा रहे हैं घर, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, रात को बच गए हैं कुछ 9:30, और यहाँ अब कोई दिख नहीं रहा है, सुरभि का भी पहला दिन है, फटाफट से अपना रास्ता निपटाते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इसी से ही हमको मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।